हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कोई ठीक होंगे। तो भी दोपहर का टाइम है और मैं आज बनाने जा रही हूँ आम का अचार। तो मैंने सोचा कि आप सबको साथ शेयर कर लूँ। तो अभी तो बिल्कुल सो रहा है। तो ये है आम जिसको मैंने कल छील के हल्दी नमक लगा के और पंखे की छांव में हवा दिलवाया है। और ये लिए मैंने सरसों, ये सभी मसाले। तो मैं इसको भूंज लेती हूँ, हल्का गर्म करना पड़ेगा। तो मैंने मेथी दाना, करायल, सौंफ, धनिया, लहसुन, मिर्च सब कुछ लिया है। तो मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। तो इसमें भूजूंगी मैं पहले धनिया। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और आम का अचार किसे किसे पसंद है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी धनिया पक गई है, मैं इसको निकाल लूँगी। अभी मैं इसमें मेथी को भूजूंगी। तो थोड़ा हल्का इसको गरम करूंगी। सौंफ, करायल सबको एक साथ डाल के इसको गरम कर लूंगी। हल्का हल्का भूजने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमने सब कुछ मिक्सर में डाल लिया है। थोड़ा थोड़ा ही मसाला है इसलिए मैंने सब कुछ एक साथ ही डाल लिया है। तो इसको अभी बंद करके हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो हमारा मसाला हो गया है रेडी। ये हमारा मसाला बन गया है। ये हमने लहसुन पीस लिया है। तो अभी हम इसमें सब कुछ ऐड कर लेंगे। तो अभी हम मसाला इस आम में डाल लेंगे। तो हमें जितना चाहिए होगा मसाला उतना ही डालेंगे, क्योंकि मेरा मसाला ज़्यादा है इसलिए मैं हटा दूंगी और लहसुन डाल दूंगी। ये सारे मसाले हल्दी नमक नमक और डाल लेंगे। अब थोड़ा कश्मीरी मिर्च, इससे कलर भी अच्छा आता है। इसको डालने से कलर भी अच्छा आता है। पे डाल लेंगे एक चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, देखने में बहुत अच्छा लगता है, इससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। अभी हम डालेंगे तेल। तेल डालने के बाद सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमारा तेल कम है तो हम थोड़ी और डालेंगे। जितना हमें तेल की ज़रूरत होगा उतना ही डालेंगे, एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो ये देखिए सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ से मिक्स करने में ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है इसलिए मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी हम इसमें और तेल डाल देंगे। ये अचार हमारा सालों साल तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारा अचार बन के रेडी है। इसको मैं डाल दूंगी डब्बे में।
तो डब्बे में पहले मैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल दूंगी नीचे। तो ये मैं डब्बे में डाल रही हूँ। ये मेरा अचार हो गया है रेडी। तो अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ बर्तन साफ, क्योंकि अभी डुग्गू रहा है सो, और बर्तन हो गए हैं बहुत सारे क्योंकि अचार भी रखी हूँ उसके बर्तन भी, और पहले से ही दोपहर के खाने का बर्तन रखा हुआ है क्योंकि डुग्गू को सुलाना था इसलिए मैं साफ नहीं कर पाई थी। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ बर्तन साफ। तो बर्तन भी साफ हो गया है। अभी मैं दूध की थी गरम तो गिर गया था इसलिए मैं गैस भी साफ कर देती हूँ। पहले कुछ कर नहीं पाई क्योंकि डुग्गू जग रहा था तो उसको सुलाना था इसलिए कुछ कर नहीं पाई थी। तो ये मैंने सब कुछ फटाफट से कर लिया सारे काम। नीचे भी साफ कर देती हूँ क्योंकि अचार रखी हूँ तो वहाँ पे गिर गया था। तो जी मेरा अचार तो कंप्लीट हो गया, मैंने फटाफट से अचार रख दिया है। और किसको किसको आम का अचार पसंद है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरी अचार की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताएं। और मैंने तो फटाफट से बर्तन भी साफ कर लिया क्योंकि अगर डुब्बू जग जाएगा तो फिर तो वो कुछ करने नहीं देता है, और इसीलिए मैंने फटाफट से बर्तन भी साफ कर लिया, अभी वो सो रहा है। तो मेरी वीडियो ये कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।